वेजिटेबल कलर का इस्तेमाल कर रंग बिरंगे कपड़े बनाने वाले भृगु अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भृगु द्वारा हाथ से निर्मित गर्म कपड़ों और वस्तुओं की प्रदर्शनी एक महीने तक चलेगी। भृगु मूल रूप से कुल्लू जिला के रहने वाले हैं और उन्होंने धर्मशाला में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी। यहाँ विदेशी मेहमानों ने भृगु के उत्पादों को खासा पसंद किया और उन्हें खरीदा भी। भृगु अपने उत्पादों में केमिकल वाले रंगों के बजाय सब्जियों के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। भृगु के अनुसार नेशनल म्यूजियम दिल्ली के लिए पिछले वर्ष उनके उत्पादों का चयन हुआ था और उन्होंने 2 महीने तक इस म्यूजियम में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए थे। इसी के आधार पर अब उनका चयन ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ है। हमारा ब्रांड है कुलबी भीम और यहाँ पे हम हाथ से बुने हुए प्रोडक्ट और प्रकृति से बने हुए कलर से ये नेचुरल डाई किया हुआ है हमने वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे हम ना इसके लिए हम ये एग्जीबिशन कर। इसकी खासियत ये पूरे हाथ से बने हुए हैं और जितने भी ये कलर है इसमें ये सारे वेजिटेबल कलर है। एक स्टॉल हमारा चयनित हुआ था लास्ट ईयर और वो नेशनल म्यूजियम में के लिए सेलेक्ट हुआ था। इसमें पूरे भारतवर्ष के 75 कारीगर और डिज़ाइनर को लिया गया था, उनमें से हिमाचल में हमारा केला एक प्रोडक्ट स्टॉल चूज हुआ था जो कि 2 महीना दिल्ली में चला और आने वाले 13 मई इसको अब वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न करके एक नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे प्रदर्शित होगा 1 महीने के लिए। भृगु द्वारा निर्मित वॉल हैंगिंग उत्पाद का राष्ट्रपति निवास के लिए भी चयन हुआ है। भृगु ने कुलुनाटी को भी हैंडलूम में उतारा है।